सलाम देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना संबोधन दें। भारत माता की, भारत माता की जय। मां नैना देवी, मैं मानस खंड की पवित्र भूमि से मां पूर्णागिरी देवी, चैती देवी, मोटेश्वर महादेव और पंच मंदिर को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं रीठा साहेब और नानक मत्ता साहब को आज सर झुका करके प्रणाम करता हूं। यहां गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे, उनके चरणों से ये धरती पवित्र हुई है। मैं वीर उधम सिंह जी को भी नमन करता हूं जिनके नाम पर उधम सिंह नगर जिला बसा है। आजादी के अमृत महोत्सव में उधम सिंह जी जैसे शहीद देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप हम सभी को अपना स्नेह देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए हो, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं देवभूमि के आप सब लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, उधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते हो, यहां अपना भाग्य अजमाने नहीं आते हो। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर है। आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है। एक प्रकार से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरी उत्तराखंड में इस चुनाव अभियान की आखिरी प्रचार सभा आपके आशीर्वाद के साथ पूरी होने वाली है। मैं आज देख रहा हूं पूरे रास्ते पर और यहां पर भी आज जो मैं उत्साह उमंग आप लोगों में है, इसे देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सभा सुनने नहीं आए हैं, आप तो मुझे चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं। चौदह फरवरी को आपको पूरे उत्तराखंड को घर से जरूर निकलना है, कमल के निशान पर बटन दबाना है। साथियों,
कोरोना महामारी के चलते शुरू में लग रहा था कि इस बार इस तरह से रैली करना संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन देश की ताकत, उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है। हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में 100% आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है। मैं जागरूकता और निष्ठा के लिए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव गांव घर घर पहुंचाया, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहुंचाया। धामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहाड़ों में इतनी ऊंचाइयों पर वैक्सीन तो पहुंच ही नहीं सकती है। आपको मालूम है ना ऐसी बातें कौन करते थे, जानते हो ना आप लोग? ये निराशा से भरी हुई बातें किसकी होती थी? आप इन लोगों को भली भांति पहचानते हो ना? ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सीन को लगातार बदनाम किया, लगातार बदनाम किया। ये वही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर चारों तरफ दिन रात अफवाहें फैलाने में लगे थे। साथियों, आप एक बात और सोचिए, वैक्सीन तो सबके लिए होती है, फिर इनको वैक्सीन से क्या तकलीफ थी? इनको तकलीफ ये थी कि वैक्सीन की वजह से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा, और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जयकार करते थे, अब और ज्यादा जोर से मोदी का जयकारा करेंगे और साथ साथ धामी का भी जय जयकारा करेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड में फिर से, भाइयों बहनों, ये ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी? और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग उत्तराखंड का सामर्थ्य भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ये 10 साल उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आज जो 18 साल के नौजवान हैं, बहने बेटियां हैं, उनके लिए ये 10 साल उनकी जिंदगी का भी महत्वपूर्ण अवसर होता है। हमारा देश, हमारा उत्तराखंड ऐसे लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं है। आज उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। उधम सिंह नगर के उद्योगों ने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी है। साथियों, 100 साल में ऐसी महामारी दुनिया ने नहीं देखी है। पूरी मानव जात 2 साल से इस महामारी ने उसको अपनी चपेट में लिया हुआ है। भाइयों बहनों, भारत में हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि कोरोना की वजह से तबाही कम से कम हो। हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसे विशेष तौर पर इस संकट के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद की गई। 2.5 लाख करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत सरकार की इस योजना के कारण एमएसएमई को समय पर मदद मिलने के कारण लाखों एमएसएमई इस कोरोना के कारण बंद होने की कगार पर थे, ये लाखों एमएसएमई बच गए और लाखों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित हो गया। हमारी सरकार ने जो एमएसएमई की परिभाषा बदली है, उसका भी लाभ यहां के छोटे उद्यमियों को हुआ है। साथियों, कोरोना के इस काल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है। इतना बड़ा संकट आया, 100 साल की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन यहां के तराई के क्षेत्र से लेकर पहाड़ों पर बसे गांवों तक हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। हमने चिंता की कि गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए आज भी हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और मैं तो देख रहा हूं, कभी कभी मैं सोशल मीडिया में कभी नजर करता हूं तो उत्तराखंड के दूर सुदूर गांवों की गरीब महिलाएं खेत में काम करती हो, रास्ते से गुजर रही हो, सर पे बोझ ढोया हुआ हो और कोई पूछ ले चुनाव के विषय में, और वो जिस प्रकार से मोदी को आशीर्वाद देती हैं। मैंने अभी तो एक मां की वीडियो देखी, वो वीडियो मेरे दिल को छू गई। उत्तराखंड के किसी दूर सुदूर गांव से वो मां बोल रही थी, यहां की लोकल भाषा में वो बोल रही थी। उसने कहा कि हमने हमारे बच्चों को 9 महीना हमारे पेट में पाला, बड़े होकर वो अपने अपने में खो गए, लेकिन ये मोदी है जो हमें हमारी चिंता करता है। हमारा बेटा सच्चा अगर कोई है, वो मां कह रही है कि अगर मेरा कोई सच्चा बेटा है तो वो मोदी है। भाइयों बहनों, माताओं बहनों के इतने आशीर्वाद, माता बहनों का इतना बड़ा सामर्थ्य अगर आज मोदी के साथ खड़ा है तो
तो मोदी जी जान से माताओं बहनों के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के कल्याण के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। भाइयों बहनों, कोरोना के कारण पर्यटन प्रभावित होने की वजह से जिन लोगों पर असर पड़ा था, उनके लिए भी धामी जी की सरकार ने आर्थिक सहायता भी जारी की। आज गरीब मजदूर ये कह रहा है, महिलाएं कह रही है, अगर कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी महामारी आती तो न जाने क्या होता। मैं भी आपसे पूछता हूं, ये मुफ्त राशन क्या पहले की सरकार होती तो ये मुफ्त राशन आप तक पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? कहीं और बिक जाता कि नहीं बिक जाता? घोटाला करते कि नहीं करते? उत्तराखंड की बहनों को जो मुफ्त सिलेंडर मिले, आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के इतने साल के बाद भी क्या वो रहते तो आपको ये पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? उत्तराखंड की लाखों बहनों के बैंक खाते में जो रुपये भेजे गए, क्या ये कांग्रेस के लोग होते तो बैंक के खाते खुलते क्या? खुलते क्या? ये खातों में पैसे आते क्या? ये पैसे आपके काम आते क्या? भाइयों बहनों, सरकार के खजाने से निकल जाता, आप तक नहीं पहुंचता, कहीं बाहर चला जाता। उत्तराखंड के हजारों किसानों के बैंक खाते में आज साल में तीन बार भारत सरकार की तरफ से सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। क्या कांग्रेस के जमाने में कोई सोच सकता है कि किसी के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं, 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं, गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने में लगे रहते हैं। दशकों तक इन लोगों ने पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, गरीबों को पलायन के लिए मजबूर किया, गरीबों को पक्का घर, गरीब बहनों को गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, टॉयलेट की सुविधा, नल से जल की सुविधा, ऐसी मूल सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार ही आपके लिए काम कर रही है। माताओं बहनों, इन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ हमारी उत्तराखंड की माताओं को, हमारी बहन बेटियों को हो रहा है। साथियों, उत्तराखंड के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। धामी जी की सरकार ने यहां नई सड़कों का रिकॉर्ड बनाया है। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत ऑल वेदर रोड का काम भी पूरा होने वाला है। इसका लाभ पर्यटन और उद्योग दोनों ही क्षेत्र को मिलेगा। केदारखंड की तर्ज पर ही कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड का विकास करने का संकल्प धामी सरकार ने लिया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इसके जरिए उन इलाकों में भी रेल पहुंचने जा रही है, वहां पहले
लोग शायद इसके विषय में सोच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक इस परियोजना को लटकाए रखा था। हल्द्वानी, काठगोदाम और लाल कुआं में 2300 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास भी बनाया जा रहा है ताकि यहां के नागरिकों को गति भी मिले और बाकियों को सुविधा भी मिले। रामपुर से रुद्रपुर के बीच 4 लेन सड़क का भी काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। इस क्षेत्र को हरिद्वार और देहरादून से जोड़ने के लिए नगीना हरिद्वार और नगीना काशीपुर के बीच 4 लेन हाईवे भी बन रहे हैं। यहां पंतनगर एयरपोर्ट को भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच में। उनकी सरकार ने उत्तराखंड को सड़कों से वंचित रखा। वो कहते थे पहाड़ी राज्य में आधुनिक हाईवे कैसे बनेंगे, हम यहां हाईवे भी बना रहे हैं, रेलवे से भी जोड़ रहे हैं और एयरपोर्ट का भी विकास कर रहे हैं। इस बार के बजट में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा भी की गई है। जहां सड़क चाहिए वहां सड़क बनेगी, जहां सड़क नहीं बन सकती वहां रोपवे बनेंगे। उत्तराखंड के बहनों भाइयों को हम हर हाल में हर जरूरी सुविधा पहुंचाएंगे। साथियों, उत्तराखंड में फूलों की खेती भी इसकी अपार संभावना है। वैली ऑफ फ्लावर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है और अब हम वहां गुरुद्वारा तक जाने के लिए रोपवे बनाने की दिशा में हम आज काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो पहाड़ के किसान हैं उनके लिए भी ये फूलों की खेती के साथ अनेक अवसर जड़े हुए हैं। भारत का शहद, मधु, हनी अब विदेशी बाजारों में भी आसानी से पहुंच रहा है। इसलिए मधुमक्खी पालन, शहद, हनी का उत्पादन में कमाई का नया जरिया किसानों के लिए उपलब्ध हो रहा है। बी वैक्स की भी बहुत मांग है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी चला रहा है। इसका भी लाभ ये उत्तराखंड के ये हिमालय की पहचान वाले इलाकों के लोगों को इसका विशेष लाभ मिलने वाला है और देखना, देखते ही देखते दुनिया में इसकी एक नई पहचान बनने वाली है। देहरादून के सेलाकुई में सुगंध पौधों का एक केंद्र की शुरुआत भी की गई है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सिडकुल द्वारा काशीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। एरोमा पार्क भी यहां के लोगों के, यहां के नौजवानों के लिए नए उद्योग का क्षेत्र बनने वाला है। सितारगंज के सिडकुल में 40 एकड़ में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, ये आपके बीच आकर झूठ का चौगा लगा रहे हैं लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे, ऐसा ही उनका चरित्र है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी, इन्होंने नहर घोषित कर दिया था।
ये लोग मां गंगा को भी लूटने में लगे हुए थे और यही उनमें और हमारे में फर्क है। हम मां गंगा की स्वच्छता के लिए काम करते हैं, ये गंगा पर भी हाथ चालाकी करके वहां की रेत में से खनन करके रुपयों की चोरी करने में लगे रहते हैं। उद्यम सिंह नगर जिले में नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए 17 नालों को बंद करने का काम भी किया जा रहा है। इन नालों के पानी को साफ करने के लिए करोड़ों की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, भाजपा और उत्तराखंड के बीच का रिश्ता ये हमारी विरासत है। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और उनके प्रयासों से उधम सिंह नगर और इस इलाके में नए उद्योग आए। हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क से उन उद्योगों की ताकत और आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी ने ऋषिकेश के लिए एम्स दिया था, हमने उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलकर सेवा का विस्तार किया है। भाइयों, इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, अब यही बेहतर इलाज होगा, उसकी हर सुविधा मिलेगी। हम उत्तराखंड में 4 और मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, 5 नए डिग्री कॉलेज का काम भी प्रगति पर है। साथियों, ये मेडिकल कॉलेज बनने के कारण, ये अन्य डिग्री कॉलेज बनने के कारण गरीब का बेटा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको अपने ही राज्य में डॉक्टर बनने की सुविधा बनेगी। इतना ही नहीं, हमने तो ये भी कहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग लोगों को उनकी भाषा में पढ़ाना चाहिए ताकि अंग्रेजी के अभाव में वो बच्चा, गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक न जाए। ये काम हम कर रहे हैं। विकास के कामों को लेकर कुछ लोग भाजपा की डबल इंजन सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग अपने समय के लूट खसोट और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अचानक उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति भी याद आने लगी है। जिन लोगों को देश की विरासत कभी समझ नहीं आई, जिन लोगों ने कभी मां भारती की रक्षा के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान नहीं किया, वो आज संस्कृति की बातें कर रहे हैं। अरे, इतने सालों तक राज किया, मेरे इस क्षेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं। बंगाली परिवारों ने जिंदगी अपनी यहां लगा दी है, लेकिन देखिए, हिंदुस्तान के लोग भी ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे, आजादी के बाद से लेकर के हमारे बंगाली भाई बहन यहां रहते हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र में एक लिखा हुआ रहता था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई, उनको मैं मां भारती का बेटा हूं, ये हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा। मैं धामी जी की सरकार को बधाई देता हूं, उन्होंने मेरे बंगाली भाइयों के इस हक को स्वीकार किया और पूर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में, उसको हटाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आज संस्कृति याद आ रही है, विरासत याद आ रही है। अरे, जरा देखो, हमारे गुरुओं ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। वीर साहिबजादों का बलिदान हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों को आने वाली सदियों तक प्रेरणा देने की ताकत रखता है, ले उसे भी भुला दिया गया। उन्हें वीर साहिबजादों का बलिदान भी कभी नजर नहीं आया।
ये भाजपा की ही सरकार है जिसने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुष्टिकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है? क्या मां गंगा का अपमान, देवभूमि की संस्कृति का अपमान क्या आप लोग सहन करेंगे? ये अपमान सहन करेंगे? आप देखिए, इसी धरती के संतान, और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवारजन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ना हो। उस सेना के सेनापति को, इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है? वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे। सेना के जवान का यह अपमान, ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है, सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो, मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो, उनके परिवारजनों के दिल को चोट पहुंचाते हो। जो लोग उत्तराखंड की पहचान को ही खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं, वो लोग उत्तराखंड की संस्कृति की सबसे बड़ा खतरा है। बहुत पुरानी कहावत है भाइयों, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये तो लोग ऐसे हैं कि उनके मुंह में कभी राम तो निकलता ही नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और अपने अभी सुना होगा, ये कांग्रेस ये अब भारत को भी राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की इस वीर धरती के घर घर से सेना में नौजवान जाते हैं, देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ उत्तराखंड की सीमाओं पर नहीं बैठते, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गए तो उसके वहां दिखेंगे, जम्मू कश्मीर देखो तो वहां दिखेंगे, लेह लद्दाख देखो तो वहां दिखोगे, गहरे समंदर में देखोगे तो मेरे उत्तराखंड के नौजवान दिखेंगे। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सीमा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी रक्षा में कहीं ना कहीं मेरे उत्तराखंड का नौजवान न हो, हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियां न हो। उत्तराखंड की माताओं की दशकों की तपस्या को नकार देने का अधिकार इन कांग्रेसियों को किसने दिया? भाइयों बहनों, भारत एक है, ये देश एक है, हिंदुस्तान एक है, इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ का बच्चा केरल के अंदर समुद्री तट पर बैठ करके मां भारती की रक्षा का काम करता है भाइयों, क्योंकि ये देश, उसके दिल में देश बसा हुआ है। और कांग्रेस वाले कहते हैं राष्ट्र है ही नहीं। जो लोग भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते हो, राष्ट्र की भावना का अपमान करते हो, राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले वीरों का अपमान करते हो, वो लोग उत्तराखंड को तबाह करने के इरादे से यहां आए हैं। उत्तराखंड की सेवा तो आप तभी कर पाएंगे जब आप में इस धरती के लिए आस्था हो। यह आस्था भाजपा को है, ये धरती हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। हमने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि भाजपा सरकार देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा करेगी। मैं उत्तराखंड के हर विरोधी को डंके की चोट पर कह रहा हूं, उत्तराखंड के देवत्व के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, 14 तारीख को आपको उत्तराखंड में तुष्टिकरण के मंसूबों को चूर चूर कर देना है, करारा जवाब देना है। ये सपने हमेशा के हमेशा उनके चूर चूर हो जाने चाहिए। आने वाली 14 तारीख को आपको कांग्रेस के हर झूठ फरेब षड्यंत्रों को जवाब देना है। और साथियों, आपको याद रखना है कि पूरे देश में कांग्रेस को लोग लगातार नकार रहे हैं।
और आज से ही नहीं दशकों से देश के अलग अलग राज्यों में यही हो रहा है। मैंने अभी संसद में भी इस बारे में विस्तार से बताया था। एक बार जिस राज्य के लोगों ने कांग्रेस को बाहर निकाला वहां दोबारा घुसने नहीं दिया। बंगाल के लोगों ने 50 साल हो गए 50 साल कांग्रेस को पैर रखने नहीं दिया है, कांग्रेस को वहां से खदेड़ा है। उसके बाद बंगाल में कभी कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। तमिलनाडु में 6 दशक से वहां के लोगों ने कांग्रेस को वहां की सरकार को वापस नहीं करने दिया है। त्रिपुरा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, ऐसे अनेक राज्य हैं जहां 3-3, 4-4 दशक हो गए, एक बार कांग्रेस गई मतलब गई। भाइयों बहनों, बहुत से राज्यों ने कांग्रेस से कह चुके हैं कि आजादी के बाद आपको बहुत समय दे दिया काम करने का, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, आपके वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, अब हम आपको घुसने नहीं देंगे। उत्तराखंड के पास भी अवसर है कि वो भी कांग्रेस को यहां से बेदखल करें। उत्तराखंड के पास आज जब भाजपा जैसा भरोसेमंद सेवक है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड से विदा करेंगे। साथियों, 14 फरवरी को भाजपा के पक्ष में दिया गया एक एक वोट एक नया इतिहास बनाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी और एक बात याद जरूर रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। आपको आपने तो वोट करना है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी वोट करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, आप सबका धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी भी साथ रहे। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।